फ्रेंड्स, मैं हूँ रूपाली और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रूपाली इंडियन क्यूजिन में। आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड आलू पोहा कटलेट। ये बनाने बड़ा ही आसान है, तो आइए बनाते हैं हमारी नई रेसिपी ब्रेड आलू पोहा कटलेट। इसके लिए हमें चाहिए बनाने के लिए 2 कटोरी भिगोया हुआ पोहा लिया है मैंने, 2 बड़े बारीक कटे हुए प्याज, 4 आलू, बारीक कटा हुआ धनिया, 4 से 5 हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, चाट मसाला, जीरा पाउडर, 1 ग्लास पानी, नमक और 4 ब्रेड स्लाइस। पोहा को हम और थोड़ा पानी से भिगो लेंगे, ब्रेड की चारों तरफ से काट लेंगे। और ब्रेड पे भी थोड़ा सा पानी छिटक कर उसको अच्छी तरह से मसल लेंगे। अब इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे, हरी मिर्च, चाट मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 चम्मच मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर इसमें ऐड करेंगे। इसमें 2 चम्मच नींबू का रस डालेंगे, 1 कटा हुआ प्याज मिक्स करेंगे, 1 आलू को हाथों से स्मैश करके उसके अंदर डालेंगे। अब हम पूरे मिक्सचर को एक साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, इसका गोला बना देंगे। अब पूरा मिक्स हमने कर दिया है, अब इसमें हम 4 चम्मच मैदा डालेंगे और फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसकी गोल गोल। और अब हम इसकी गोल आकार की टिक्कियाँ बनाएंगे, हमें जैसे आकार पसंद है उस आकार के हम टिक्कियाँ बनाएंगे। टिक्कियाँ बनाते समय हाथ को थोड़ा पानी लगाना चाहिए, नहीं तो वो चिपक जाता है। मैंने कुछ गोल और लंबे आकार की टिक्कियाँ बनाई हैं। हमारी टिक्कियाँ बनने के बाद अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में तेल रखा है, तेल हमारा गर्म हो चुका है और हम इसमें अभी टिक्कियाँ डालेंगे। गैस का पावर मीडियम रखना है ताकि वो बाहर से ब्राउन जल्दी से ना होए, वो अंदर से भी पक जाए, इसलिए इसको मीडियम आंच पे हमें फ्राई करना है। हमारी टिक्कियाँ ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसे बाहर निकालेंगे। अब हमारी डिश तैयार हो चुकी है, अब हम इसे एक प्लेट में सर्व करेंगे। अगर आपको हमारी डिश पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।